दोस्तों लाइफ में अमीर होना कौन नहीं चाहता, बट जब काम करने की पारी आती है तो सभी पीछे भाग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान की मेंटेलिटी पुअर होती है। वो पैसे के बारे में पूरा दिन तो सोचते रहता है, बट शाम को जब उसके पीछे काम करने की पारी आती है तब वो सोचता है पैसे कमा के क्या हो रही है। सारे दिन प्लानिंग करके भी लोग जो शाम को काम करने बैठता है तो फिर उसे लगता है कि छोड़ आज नहीं कल करना है। तो इस तरह इंसान रिच नहीं होता। आपको रिच होने के लिए काफी ज्यादा प्लानिंग और उसकी एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है। एक चीज और है जो आजकल के जनरेशन में काफी ज्यादा देखी जाती है, रैट रेस। काफी लोग बस जॉब्स के पीछे भागते रहते हैं। सबको बस एजुकेशन गेन करके बस जॉब करनी होती है। तो ऐसे रैट रेस में भागकर सभी लोग अमीर नहीं हो सकते। अगर आपको रिच होना है, दूसरों से आगे निकलना है, तो दूसरों से कुछ अलग हटकर कुछ करना पड़ेगा। तीसरी एक चीज है कि इनसिक्योरिटीज एंड सिक्योरिटीज में डिफरेंस करना हमें आना चाहिए। काफी लोग जॉब्स में रहते हैं, उनके पास मंथली बजट्स होते हैं, उनको हमेशा उसको लेके वो सिक्योर रहते हैं, वो नहीं चाहते कि वो कभी इनसिक्योरिटीज में जाए। बट अगर आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो तो आप रिच नहीं बन सकते। आपको रिस्क लेना पड़ेगा। नो रिस्क नो मनी। एलोन मस्क भी अपने 3 रॉकेट लॉन्च फेलियर होने के बाद ये सोच के अगर रह जाते कि नहीं मुझे आगे पैसे नहीं है, मुझे ये काम नहीं करना, बट उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने लोन लेके अपना 4th रॉकेट लॉन्च करा और वो सक्सेसफुल साबित हुआ, तब जाके आज वो रिचेस्ट मैन है। तो ये चीज सभी के साथ होती है। आपको लाइफ में हर जगह कहीं ना कहीं रिस्क लेने की जरूरत है, तब जाकर आप अपने लाइफ में एक लेवल को अप करके दूसरे लेवल पे जा पाओगे। आप इनपुट में हर जगह एक बाउंडेड रिस्क रखोगे और फिर सोचोगे मेरा आउटपुट काफी ज्यादा हाई हो जाए, वैसा होना नहीं है। नो इनपुट नो आउटपुट। चौथी एक और चीज है कि कॉमन पीपल की थिंकिंग ये होती है कि हम मनी सेव करके रिच हो जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। बिजनेसमैन जो होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, वो पैसे को सेव नहीं करते, वो पैसे को इन्वेस्ट करके रिच होते हैं। वो पैसे को लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको और ज्यादा प्रॉफिट आ सके और वो अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन कॉमन पीपल जो होता है वो अपने पैसे को सेव करके सोचता है, सेव करके वो काफी ज्यादा रिच हो जाएगा, जो कि एक पुअर मेंटेलिटी है। तो अगर आपको लाइफ में रिच बनना है तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना काफी ज्यादा।